हाँ भाई, गरीबो बेशर्मो, टोयोटा में घूमने वाले गरीबो, किया स्पोर्टी JWD ली है अपने पैसों से, गुलामी नहीं की किसी की। तो मुझे आप लोगों के साथ ये न्यूज शेयर करनी थी कि मैंने गाड़ी बदल ली है। हुआ ये कि अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी टोयोटा कोरोला पे और मजे आ रहे थे बड़े, लेकिन फिर अचानक एक दिन मैंने वीडियो देख ली शाहिद अनवर साहब की, जिसमें वो कह रहे थे गरीबो बेशर्मो, टोयोटा कोरोला पर घूमने वाले गरीबो। दिल में ऐसे कलेजे में आग सी लग गई और फैसला कर लिया कि बस भाई अब हमने गाड़ी बदल ही लेनी है। तो हुआ ये कि SUVs की तलाश में निकले और सबसे लोएस्ट अमीरों वाली जो हमें गाड़ी मिली वो थी किया स्पोर्टेज, लेकिन इसमें भी फ्रंट व्हील ड्राइव थी और अल्फा थी और ऑल व्हील ड्राइव थी। सो वी वेंट फॉर ऑल व्हील ड्राइव और ये टॉप वेरिएंट और बहुत ही जबरदस्त कार है, 2000 cc है, बहुत मजा आ रहा है। कोरोला से इसका बहुत डिफरेंस है। हमें ये लगता था कि जो कोरोला है वो बेस्ट गाड़ी है, बट इसको यूज करने के बाद मेरा नजरिया बदल गया है। बहुत स्मूथ है और ये ऑल ऑप्शंस गाड़ी, मुझे लगता था कि ऑल ऑप्शंस का मतलब है कि बस ठीक है ऑप्शंस होंगी, लेकिन भाई इसमें वाकई फुल ऑप्शन गाड़ी है। क्या क्या फीचर्स हैं इसके वो मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो में। अब आप वो मंजर भी देख लें कि जब ये गाड़ी मेरे पास आई थी तो मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन था। सो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मेरी नई गाड़ी आ रही है, जिसका प्रॉपर टूर तो मैं आपको कल दिन में करवाऊंगी, लेकिन बाबा लेके आ रहे हैं। ओह गॉड, सो दैट्स आवर न्यू कार। एलिया, ये किसकी गाड़ी है? हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी है, माशाल्लाह। बोलो माशाल्लाह। शाहिद अनवर वाली मैं कर रही थी बात, ये तो खैर बकवास है। इंसान को जिंदगी में हमेशा तरक्की करनी होती है और अल्लाह सबको तरक्की दे, जो जो मेहनत कर रहा है उसे उसका फल मिले। और हमने भी बहुत मेहनत की है इस गाड़ी तक पहुंचने के लिए। इसके सबसे पहले एक्सटीरियर की बात करते हैं, एक्सटीरियर आपको दिखाते हैं फिर इंटीरियर पर चलेंगे। सबसे पहले इसकी ये टाइगर नोज, जिसकी वजह से मैंने इस गाड़ी का नाम भी टाइगर रख दिया। एक तो ये है ही बड़ी पावरफुल और इसकी जो टाइगर नोज की ग्रिल लगी हुई है ये बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा ही मतलब रॉयल सा लुक देती है। मुझे MG का भी फ्रंट फेस बहुत पसंद है, लेकिन किया का भी बहुत अच्छा है। और इसकी ये जो हेडलाइट्स हैं, इसमें जो LEDs लगी हुई है बहुत ज़बरदस्त है। इसका एक इशू आता है वो ये कि इसमें हल्की सी फॉग आ जाती है, ये सारी किया का इशू है। सो अब हम क्या कर सकते हैं, बेरेबल है ठीक है, लेकिन ये शेप जो है ना बहुत खूबसूरत है, लाइट्स बहुत प्यारी हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या है जी, और ये आप देख सकते हैं इसमें फॉग लैंप्स लगे हुए हैं। फ्रंट फेस बड़ा ही रॉयल किस्म का इसका। रिट्रैक्टेबल इसके मिरर्स हैं, ये भी मुझे इसकी बात बड़ी अच्छी लगी है। इसके टायर्स अलॉयज और ये जो कुमो कंपनी है ये भी बड़ी अच्छी कंपनी है, जिसके इसमें टायर्स लगे हुए, आई गेस कोरियन या जापानीज है, बहुत ज़बरदस्त है। और फिर इसकी रात में यहाँ पर भी लाइट्स चल जाती हैं, मतलब कि एक छोटी छोटी माइनर डिटेल्स हैं जिनका ख्याल रखा हुआ है और वो गाड़ी को एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग बना देती है। तो यहाँ पे भी लाइट्स चल जाती है, ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। उसके अलावा इसका पैनोरामिक सनरूफ है, जो इसकी सबसे अच्छी बात है। गाड़ियों का सनरूफ होता है लेकिन ये पैनोरामिक है, इतना खूबसूरत व्यू देता है। और टायर्स के ऊपर ये फेडेड ब्लैक फेंडर्स लगे हुए हैं, जो ये बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं इस गाड़ी को। और साथ में जो यहाँ पर AWD लिखा हुआ है, ताकि पता लग जाए कि फ्रंट व्हील ड्राइव नहीं है, ऑल व्हील ड्राइव है। अब रियर साइड दिखाते हैं आपको। यहाँ पर जी इसकी ये पेट्रोल वाली टंकी है, जिसका पहले मुझे नहीं था, मुझे ये बाद में पता लगा पेट्रोल स्टेशन जाके, जब मैं खड़ी थी मैं उनसे पूछ रही थी कि इसमें पेट्रोल डलवाना है तो टंकी कहाँ से खुलेगी। उसने कहा पैसे दें, ये ऑटोमेटिक होती है मैडम, गड्डी ले लिए तानू पता का तू, पर वो भी पता लग गया। उसके बाद ये जो रियर एंड है इसका, बहुत ही खूबसूरत इसका बैक व्यू भी है। ये जो
डिग्गी है, इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है। ये भी मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। अभी ऊपर ये वाइपर लगा हुआ है और ये जो व्हेल मछली का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो भी इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैडम व्हेल का नहीं, शार्क का होता है, इस तरह का व्हेल का नहीं होता। अब इसकी हमने डिग्गी खोल ली है जिसमें काफी सारा सामान पड़ा हुआ है, इसको आप इग्नोर करते हैं। इसमें हाँ, हमने ये पंप रखा हुआ है जिसमें गाड़ी के टायर में हवा कम हो जाती है तो फिर आप इससे भर लेते हैं, जाना नहीं पड़ता कहीं पे, बड़ा इजी है इसको यूज करना। उसके अलावा हमारा लैपटॉप का बैग है, ज़िशान का एक कोट पड़ा हुआ है, पानी की कुछ बोतलें हैं, और आई डोंट नो ये बेडशीट यहाँ पर क्या कर रही है फिलहाल, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा स्पेस है, लाइक आई कैन स्लीप इन इट एज वेल। अच्छी खासी स्पेस है, किसी बच्चे को सुलाना है इवन मैं सो सकती हूँ। डिग्गी इसकी हमने कर दी है बंद। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास और इसकी सीट्स कैसी हैं। सीट्स इसकी निहायत उम्दा हाई क्लास क्वालिटी की सीट्स हैं। मक्खियों को आप प्लीज इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अब ये तो साथ साथ ही है, इनका क्या किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो सीट्स है ना बहुत ही कम्फर्टेबल है और इतनी वेलकमिंग है, इतना मजा आता है, वेरी स्मूथ। ये बंद कर देते हैं क्योंकि अंदर मक्खियां काफी आ रही है, आ चुकी हैं बल्कि। अच्छा, अब इसकी जो सीट्स है ना ये 8-way एडजस्टेबल है, ये 8 तरीकों से एडजस्ट की जा सकती हैं और ये ऑप्शन जो है आपको सिर्फ ऑल व्हील ड्राइव में मिलती है, बाकी फ्रंट व्हील ड्राइव में भी ये ऑप्शन नहीं है और ना ही अल्फा में है। प्लस इसकी सीट्स जो हैं वो लेदर सीट्स हैं और बाकी जो इसके वेरियंट्स हैं उनके अंदर आपको मिलेंगी फैब्रिक सीट्स, वो इतनी वेलकमिंग नहीं है। प्लस ये हीटेड सीट्स हैं, अगर कोई बुजुर्ग बैठा है या सर्दी आपको ज्यादा लग रही है तो आप इनको हीटेड भी इनका ऑप्शन यूज कर सकते हैं। फिर इनका ये जो डैशबोर्ड है इसमें भी लाइट चल जाती है, लाइक आप रात के टाइम यूज कर रहे हैं तो आपको लाइट चाहिए तो ये इसकी भी लाइट चल जाती है। फिर इसका जो आर्मरेस्ट है इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, ये भी बहुत बड़ा है, इसमें कुछ 100 रुपए पड़े हुए हैं और एक परफ्यूम पड़ा हुआ है और कुछ टिश्यूज। फिर इसका जो ये एरिया ये भी मुझे बहुत पसंद है, इसका जो गियर है ये ऑटो भी है और मैनुअल भी है क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव है जाहिर है। फिर इसमें पार्किंग सेंसर्स है, अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो अगर कोई चीज आपके ज्यादा नजदीक आ गई है या आपकी गाड़ी किसी के ज्यादा नजदीक चली गई है तो ये आपको बता देगा कि थोड़ा फासला रखें। फिर इसका इन्फॉर्मेशन क्लस्टर देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको बताता है कि जी आपके गेज दिखाता है, आपको आपकी गाड़ी की एवरेज बताता रहता है तो ध्यान रहता है उसके ऊपर, प्लस आप गाड़ी कितनी स्पीड पर चला रहे हैं वो सारी चीजें। फिर आ जाती है जी इसकी ये एलईडी, इसमें भी काफी सारी ऑप्शंस है आपके पास, आप इस पे अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं, फोन की मिररिंग हो जाती है, ब्लूटूथ भी ऑब्वियसली अवेलेबल है। एप्पल प्ले का मैंने सुना है कि अभी इसके अंदर कनेक्ट नहीं हो पाता, लेकिन आई डोंट नो, मैं ट्राई करूंगी, मुझे लगता है हो जाएगा क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है जब नहीं होता था। फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि पूरा उन्होंने इसको, लोग कहते हैं कि जी ओल्ड स्कूल है, अब जो गाड़ियां आ गई हैं उसमें सारा मतलब टच सीन होता है, इन्होंने यहाँ पर पूरा बटन्स के साथ दिया हुआ है, बट मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है, मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि बहुत सारे लोग जिनको वो यूज नहीं करना था उनके लिए इजी है कि यहाँ से पावर शावर कर ली, रेडियो ऑन कर लिया। फिर फ्रंट और रियर, ये जो फ्रंट आप करेंगे तो अगर आपके फ्रंट शीशे पे फॉग आई हुई है तो वो हट जाएगी, रियर अगर आप ऑन करेंगे तो आपके बैक से हट जाएगी फॉग। अच्छा, फिर इसमें जो सबसे मजे की बात है क्लाइमेट कंट्रोल, उसका ये सीन है कि जैसे ये दोनों मेरी तरफ एसीज लगे हुए हैं, वो दोनों उस वाली तरफ लगे हुए हैं एसीज, तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं टेम्परेचर, लाइक मैं अपने हिसाब से अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर सकती हूँ और उधर जो ड्राइविंग सीट पे बंदा बैठा हुआ है वो अपने हिसाब से टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकता है। फिर यहाँ पर इन्होंने पीछे भी ऑप्शन दी हुई है, यहाँ पर भी एसी लगा हुआ है ताकि पीछे वाले जो लोग हैं वो अपने हिसाब से एसी वेसी जो है वो चला सकें। फिर फोन की चार्जिंग और सिगरेट लाइटर वगैरह यहाँ पर भी है, यूएसबी यहाँ भी लग सकती है और पीछे भी उन्होंने नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पर भी आप लगा सकते हैं, पीछे वालों को भी उन्होंने फुल सहूलत दी हुई है और पीछे वालों की सीट्स भी जी एडजस्ट हो जाती है, ऐसी भी कोई बात नहीं। फिर जाहिर है कि इसमें आप 5 बंदे सिटी के अंदर आराम से ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं तो भी 5 जा सकते हैं, बट अगर आप 4 जाएंगे तो ये बीच वाला ये आर्मरेस्ट भी खुल जाएगा, आप इसमें चीजें वीजें भी रख सकते हैं और इजिली आपका सफर जो है वो सुकून से गुजरेगा। और स्टोरेज में आपको डिग्गी की दिखा चुकी हूँ कि बहुत ज्यादा है। उसके अलावा अब इस पे आ जाते हैं, इस पे जी अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल भी दिया हुआ है और डिफरेंट मोड्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, गाने शाने वॉल्यूम शॉल्यूम भी आप यहाँ से सारा कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका मुझे ये बड़ा पसंद आया, एयरबैग इसका ये देख रहे हैं, एयरबैग आप इसका देख रहे हैं यहाँ पर है और इस तरफ भी एक इसका एयरबैग लगा हुआ है इधर, और बड़ी मजे की ये भी फील देता है, इशारे विशारे आप कंट्रोल करें और यहाँ से, और ये भी पूरा कंट्रोल दिया हुआ है शीशों का, यहाँ से ऑपरेट होते हैं। फिर चाइल्ड लॉक दिया हुआ है, ज़्यादा बच्चे बैठते हैं गाड़ी में तो आप कंट्रोल कर सकें, फिर शीशे अगले वाले पिछले वाले सारे यहाँ से कंट्रोल हो जाते हैं।
उसके अलावा इस गाड़ी का जो ये वाला पोर्शन है ये भी मुझे अच्छा लगा है, इट्स वेरी नाइस। और नीचे जो है वो रैक्सीन लगी हुई है। अभी चूंकि गाड़ी को आई ही मेरे पास 2-3 दिन हुए तो इसको मैंने सजाया नहीं। आपने मेरी लास्ट गाड़ी में देखा होगा कि यहाँ पर मैंने वो पूरा एक मैट लगाया हुआ था, वो बड़ी खूबसूरत लग रहा था, उससे बड़ी एस्थेटिक सी बन जाती है गाड़ी। नीचे रैक्सीन है अभी फिलहाल, इसके ऊपर भी मुझे मैट्स लगाने हैं। गाड़ी की मैंने अभी पूरी बनाओ सिंघार और सजावट करनी है। यहाँ पर ये कप होल्डर्स भी बने हुए हैं, बीच में ये आश्रय भी पड़ा हुआ है। आश्रय मुझे बड़ा ही इसका खूबसूरत सा लगा है, पता नहीं अब ये पहले से गाड़ी में मौजूद था या क्या सीन था, लेकिन ये ऐसे ही साथ ही मिला है हमें। अच्छा जी, तो ये है जी इस गाड़ी का फुल एक रिव्यू। और मुझे गाड़ी बड़ी पसंद आई है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, यहाँ पर इन्होंने लाइट्स दी हुई हैं, ये लाइट्स चल जाती हैं। और इसी तरह से यहाँ पर भी नहीं, इसमें नहीं, पीछे वाले में यस, ये देखें ये यहाँ पर भी लाइट्स चल रही हैं। तो इसका अब आपको दिखाते हैं, ये चीज देखें, ये बड़ी मजे की है। यहाँ पर मैंने 3 ग्लासेस घुसाए हुए हैं, तो बड़ी जबरदस्ती से मैंने इनको बंद किया हुआ है। मतलब आप 2 रख लें 1 रख लें, लेकिन मैंने 3 रखे हुए हैं। फिर इसका ये जो शीशा है, यहाँ पर भी लाइट ऑन हो जाती है। आप रात के टाइम मेकअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आराम से मेकअप कर सकते हैं। मैंने इसका ये रैपर भी नहीं हटाया अभी, मैंने कहा अभी जरूरत नहीं है, अभी तो 2 ही दिन हुए हैं, कौन सा मेकअप करना मैंने गाड़ी में। अच्छा, इसकी लाइट्स कर देते हैं बंद। अब आपको दिखाते हैं इसका पैनोरामिक व्यू। बहुत मजे की चीज है ये, बहुत खूबसूरत। पीछे तक है, लाइक पीछे वाले भी इंजॉय कर सकते हैं। और दिन के टाइम मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, आप चाह रहे हैं कि गाड़ी में गोल्डन आ रहा है जैसे अभी, तो रोशनी आती रहे तो बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा वीडियोस भी बड़ी अच्छी बन जाती हैं। और अगर आप बाहर गए हुए हैं तो ज़ाहिर है ये भी खुल जाएगा पूरा, और फिर आप गाड़ी से निकल के वादियाँ इंजॉय करें, पहाड़ इंजॉय करें, और साथ वीडियोस बनाएं, रील्स बनाएं इंस्टाग्राम के लिए। और अब मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले जो मेरे पास गाड़ी थी वो कौन सी थी, उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैं अभी इसके बाद प्ले कर रही हूँ। आई गेस आई नेवर शेयर इट विद यू गाइस, मेरे पास वो जो व्हाइट वाली गाड़ी थी GLI करोला, वो मैंने सेल कर दी थी और मैंने ये वाली गाड़ी ले ली थी अल्टेस। और ये गाड़ी मेरे ख्याल है मैंने अपने पास 1 महीना रखी है और मैं इसको फिर चेंज करने लगी हूँ। जब वो गई थी रंगीली तो भी मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन जब ये आई तो मुझे इससे मोहब्बत हो गई। मगर अब अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ये जा रही है और नहीं आ रही है। मैं काफ़ी दुखी भी हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम रियली 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 हैप्पी। और ये भी मैंने आपसे शेयर नहीं की थी, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाली गाड़ी कैसी गाड़ी थी। बेसिकली मुझे ब्लैक कलर में गाड़ी चाहिए थी, पहली वाली में बस वाइट थी। रिमेम्बर, इसको बेचने का मकसद मैं आपको बताती हूँ, इसको बेचने का मकसद ये है कि अगर आप लाहौर में रहते हैं ना तो नेवर बाय अ ब्लैक कार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी होती है, यू कैन नॉट अफोर्ड इट्स मेंटेनेंस एट ऑल। और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था इसको हर वक्त बच्चों की तरह साफ रखना, इट वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो फाइनली आई एम सेलिंग इट, बल्कि आई हैव सोल्ड इट, और अब नई गाड़ी जो है आपको आगे नजर आएगी। आई एम रियली 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 हैप्पी विद द परचेज। और ये गाड़ी दिखाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मैं कोई शो ऑफ कर रही हूँ, बल्कि ये है कि मेरी एक अचीवमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये ना सिर्फ मेरी अचीवमेंट है, बल्कि ये मेरी और ज़िशान दोनों की अचीवमेंट है। ये गाड़ी हमने मिलकर ली है अपनी मेहनत के पैसों से। और ज़िशान इसके बारे में क्या राय रखता है, कितना इमोशनल है, कितना एक्साइटेड है, ज़िशान से भी जानते हैं। जी ज़िशान, बताइए, आर यू हैप्पी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खुशी है। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए हम दोनों ने, और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है ताकि ये मेहनत जारी रहे। और हमारी यहाँ पर मैं बता देता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम दोनों की, मेरी और इर्ज़ा की ड्रीम कार जो है वो है डाला, रेवो हाइलक्स डाला जो है, रेवो रॉको अब वो हो गया है। देखें कि जब तक हम पहुँचते हैं तो उसका कौन सा मॉडल आता है। ये डाले से पहले वाला जो हमारा स्टेप है वो है, क्यों इर्ज़ाब क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, रेवो रॉको लेने से पहले जो एक पड़ाव डालना था वो हमने यहाँ डाला है। अभी हमें नहीं पता कि हम डायरेक्टली रेवो रॉको तक पहुँच सकेंगे या इसके बाद भी हमें कोई एक स्टॉप लेना पड़ेगा, बट आप लोगों की दुआएं रहेंगी, आप लोगों का प्यार रहेगा और हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी, तो इंशाल्लाह हम एक दिन वहां तक भी पहुंचेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, योर मैसेजेस। और आप लोग वीडियोस देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एंड ज़िशान, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू योर लिसनर्स? मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि एक बड़ी मशहूर कहावत है और वो है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब।
अपना जो भी आपने सोच रखा है कि आप फ्यूचर बनाने के लिए, करियर बनाने के लिए, वो जो भी आपके प्लान्स हैं, उसको डिले मत करें, आज से शुरू करें, क्योंकि आप आगाज़ करेंगे तो अल्लाह ताला रहमत करेगा, बरकत करेगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता से ज़िंदगी में कामयाबी की तरफ जाएंगे। हम शुरू हुए थे GLI 1.3 से और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑल व्हील ड्राइव इस पे आ गए हैं, किया स्पॉटेज पे, और इंशाल्लाह हम अपने ड्रीम कार तक भी पहुंच जाएंगे। सो आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, दुआएं और नेक तमन्नाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। यू नो द ड्रिल गाइस, आई लव यू सो मच।